हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे से चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि गेट 2021 से रिलेटेड है। तो इसके लिए हम एक गूगल पे टाइप करना है गेट 2021। जैसे आप गेट 2021 टाइप करेंगे तो गेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.gate.iitb.ac.in। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस बार का जो गेट है 2021 वो आईआईटी बॉम्बे ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आपको मेरे द्वारा किसी भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए चलते हैं, हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको जस्ट क्लिक करना है गेट की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आईआईटी बॉम्बे इस बार ऑर्गेनाइज कर रहा है गेट 2021। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको नया विंडो ओपन होगा। इस नए विंडो पे जो गेट 2021 का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम होम पेज पे देख लेते हैं। तो होम पेज पे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, साथ ही साथ इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए, जैसे कि जो गेट 2021 का जो स्कोर कार्ड है इट विल बी वैलिड फॉर 3 इयर्स। ओके, जब से जैसे ही आपका जो रिजल्ट अनाउंस होगा उस डेट से 3 इयर्स तक जो आपका गेट का जो स्कोर कार्ड है वो एप्लीकेबल रहेगा। इसके साथ ही साथ इन्होंने बताया कि गेट 2021 का जो एग्जाम वो ऑलमोस्ट 27 सब्जेक्ट्स में होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो गेट का एग्जाम होगा वो 6 डे तक चलेगा और जिसमें 12 सेशन होंगे, यानी एक दिन में 2 सेशन होंगे। तो टोटल जो दिन है वो 6 डेज होगा, 6 डे में 12 सेशन होगा। इन्होंने एग्जाम डेट भी मेंशन कर रखी है जो 5 फरवरी, 6th, 7th, 12th, 13 और 14 फरवरी 2021 को आपके जितने भी 27 सब्जेक्ट है उन सबका एग्जाम होगा। वो मॉर्निंग सेशन में भी हो सकता है या आफ्टरनून सेशन में भी हो सकता है। इसके साथ इन्होंने बताया कि जितने भी सेंटर्स हैं इंडिया में वहाँ ये सब एग्जाम होगा। इसके साथ ही साथ जो इंटरनेशनल सेंटर्स होते थे गेट 2021 को, अगर वहाँ पे कोविड-19 की सिचुएशन अगर नॉर्मल हो जाती है और जो ट्रेवल है वो अलाउ हो जाता है, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, तब जाके जो है इंटरनेशनल सेंटर्स पर भी एग्जाम होगा। अदरवाइज जो गेट 2021 का अगर कोविड-19 की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल रही तो जो इंटरनेशनल सेंटर है गेट के उन्हें कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे और आप देख सकते हैं आईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की। तो टोटल 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 जो है वो आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं और इस नंबर आप जो है किसी भी पीएचडी में या एमएससी या पीएचडी में या इंटीग्रेटेड पीएचडी में आप इजीली जो है एडमिशन इन सारे आईटीज में पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द गेट स्कोर। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ गेट की 2021 की इंपॉर्टेंट हाईलाइट। तो कुछ अगर इंपॉर्टेंट हाईलाइट की हम बात करें तो इन्होंने ऑलरेडी जो एग्जाम की डेट है वो मेंशन कर रखी है पहले से ही, जो कि 5th, 6th, 7th, 12th, 13th, 14th फरवरी को होगा और जो एग्जाम होगा वो टोटली सीबीटी बेस्ड होगा, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आप इसमें तो ध्यान देने वाली बात वो है कि इन्होंने 2 न्यू सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है गेट 2021 में। तो जो पहला है वो है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज इन इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो इन्होंने ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो इस बार गेट 2021 में इंट्रोड्यूस किए हैं। इसके साथ ही साथ तो टोटल सब्जेक्ट है वो 27 है। सिलेबस जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोच्योर मिल जाएगा, अगर आपको सिलेबस देना किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का वो आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोच्योर में मिल जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने जो पैटर्न है वो दे रखा है कि एमसीक्यू टाइप और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन भी होंगे और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में फिल कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप 2 पेपर में भी जो गेट का एग्जाम है वो भर सकते हैं, जैसे कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस में भरना चाहते हैं आप दोनों में भर सकते हैं। ठीक है, बस आपको जो एग्जाम की डेट है वो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों क्लैश ना करें। अब इन्होंने बोला जो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन, तो आपको सिर्फ ऑनलाइन थ्रू गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भरना है और जो गेट 2021 का जो स्कोर कार्ड है इट विल बी वैलिड फॉर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। इसके साथ ही साथ जो कोविड-19 सिचुएशन अगर वो वैरी करती है या उसमें जो है रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो जो गेट 2021 का जो एग्जाम है उसे शेड्यूल रीशेड्यूल भी किया जा सकता है, यानी कि एग्जाम चेंज डेट जो है वो चेंज भी की जा सकती है। और जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट इस बार है वो है आईआईटी बॉम्बे। तो आप देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स को। तो अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो गेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट होगा मंडे 14 सितंबर से, आप जो है फॉर्म गेट का फॉर्म वो फिलअप कर सकते हैं।
और जो एप्लीकेशन पोर्टल या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो क्लोजिंग डेट है वो है 30 सितंबर। इसके बाद एंड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विद लेट फी वो 7 अक्टूबर 2020। अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए तो आपको लेट फी के साथ जो है इसका डेडलाइन रहेगा 7 अक्टूबर 2020। इसके बाद लास्ट चेंज फॉर स्टेज ऑफ कैटेगरी पेपर एग्जामिनेशन सिटी, तो इसका जो डेट है वो 30 नवंबर 2020 है। अगर आपने गलती से जो है कैटेगरी गलत भर दिया, पेपर गलत भर दिया, तो आप उसे 30 नवंबर 2020 तक करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा वो आपको मिलेगा 8 जनवरी 2021, यानी 8 जनवरी 2021 से आपका जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद देखिए उन्होंने गेट की टाइमिंग दे रखी है, तो मॉर्निंग सेशन रहेगा 9 AM to 12 noon और जो आफ्टरनून सेशन होगा वो 3 PM to 6 PM। तो टेंटेटिव डेट दिया दे दिया रखा है 5th Feb, 6th Feb, 7th Feb, 12th Feb, 13th Feb, 14th Feb। तो ये टेंटेटिव डेट दे रखी है एग्जाम की। अगर COVID-19 सिचुएशन अगर बहुत बदतर हो जाती है या उसमें जो केसेस वो तब भी कंटिन्यू इंक्रीज होते रहते हैं तो क्या होगा, जो शेड्यूल है वो चेंज भी किया जा सकता है। और इसमें जो अनाउंसमेंट कर रखा है रिजल्ट का वो है Monday 22nd March 2021। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पेपर। तो गेट 2021 पेपर्स में देखिए बाकी जितने पेपर्स वो सेम है। इस बार जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है वो है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। तो ये जो दो नए पेपर है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसके साथ ये टोटल मार्क्स जो है वो इस पेपर का वो 100 है। वहीं अगर बात करें जनरल एप्टीट्यूड का तो 15 मार्क्स और जो मेन पेपर वो 85 मार्क्स। तो आउट ऑफ 100 मार्क्स आपका 15 मार्क्स का कॉमन जनरल एप्टीट्यूड रहेगा जो कि हर सब्जेक्ट में होगा, साथ ही साथ जो मेन पेपर होगा वो 85 मार्क्स का होगा। ऐसे इन्होंने दे रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स। जैसे अगर हम लाइफ साइंस की बात करें तो केमिस्ट्री जो होगा वो कंपल्सरी होगा जिसका वेटेज 25 मार्क्स होगा। उसके बाद आपको आउट ऑफ दीज 5 सब्जेक्ट यू हैव टू सेलेक्ट एनी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो इट विल बी 60 मार्क्स। तो इट विल बी अराउंड 85 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि आप जिसमें भी सब्जेक्ट में भर रहे हैं तो उसका आप ये सब जो क्राइटेरिया है सब देख सकते हैं। तो ये सब कोड दे रखे हैं, आप ये भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। इसके साथ ही मतलब पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन दिया है, तो एग्जाम CBT बेस्ड होगा और जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 आवर्स रहेगा। तो आपको 3 आवर्स का टाइम मिल जाएगा और जो सेक्शन होंगे जनरल एप्टीट्यूड प्लस जो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट वो होंगे। और क्वेश्चन आपके MCQ टाइप भी हो सकते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन MSQ टाइप भी और न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का वो आप देख सकते हैं। इसके साथ आप प्री एग्जामिनेशन भी देख सकते हैं। अगर आपको सिलेबस किसी का भी चाहिए क्योंकि आपको तैयारी करनी होगी तो आपको सिलेबस भी चाहिए होगा पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो आप सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो सिलेबस है यहाँ पे पूरा दिख जाएगा कि आपको जिसका भी सिलेबस चाहिए वो सब सिलेबस आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो ये आप जो रेड न्यू सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है उनका सिलेबस भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगर आप फी देखना चाहते हैं तो फी भी देख सकते हैं। तो फी जो है अगर हम फी की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स की जो पर पेपर फी वो 750 है। अगर इसके बाद आप अगर 1st to 7th अक्टूबर तक एक्सटेंडेड पीरियड में अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपकी जो फी है वो 1250 हो जाएगी। वहीं अगर बात SC ST कैटेगरी की तो उनकी फी 750 है, अगर उनके लिए भी एक्सटेंडेड पीरियड में 1250 है। बाकी अदर कैंडिडेट चाहे वो जनरल हो चाहे OBC हो चाहे EWS कैटेगरी के हो तो उनका जो एग्जामिनेशन फी है वो 1500 है। वहीं अगर एक्सटेंडेड पीरियड में फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनका जो फी है वो 2000 रुपीज है पर सब्जेक्ट। तो ये हो हमने देख लिया इनका इंपॉर्टेंट फी। इसके बाद अगर आप एग्जामिनेशन सिटीज की बात करें तो ऑलमोस्ट जो गेट का एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया में बहुत सी सिटीज में होता है। तो आप जहां पर भी आपका घर पास हो या जहां पर भी आपको अवेलेबिलिटी के बेस पे आप जो है अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी आपको गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे गेट 2020-2019 का भी जिसका भी आपको चाहिए आप इजिली यहाँ से क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो गेट द आंसर की। इसके साथ ही साथ और अगर हम किसी चीज की बात करें तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो भी आप देख सकते हैं। तो इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे रखा है जैसे एलिजिबिलिटी डिग्री डिटेल्स गेट पेपर सब्जेक्ट 4 चॉइस ऑफ गेट एग्जामिनेशन सिटी। तो यहाँ पे ये जो सारे डाटा है ये आपको चाहिए होंगे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक
ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, तो 14 सितंबर से फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी जो गेट के इंस्टीट्यूट है वहां पे आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वो डिपेंड करेगा आपकी रैंक के ऊपर कि आपकी रैंक कितनी है, और साथ ही साथ जो भी आईआईटी है उनका कुछ स्पेशल प्रोसीजर होगा कि आपको कैसे वो पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। लाइक वो अपना खुद का जो एंट्रेंस एग्जाम भी करा सकते हैं, और साथ ही साथ उसके बाद इंटरव्यू जो कॉमन है, मोस्टली सारे भी इंस्टीट्यूट है वहां पे इंटरव्यू कॉमन है, तो उसकी बेस पे आपको आईआईटीज में एडमिशन मिल सकता है पीएचडी के लिए। तो यहीं पे जो मेरा वीडियो है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।